होता रहेगा। उसके बाद मैंने किस तरफ किया है क्योंकि बहुत सारी ये जो लग रही है आप सब इंजॉय कर रहे हैं आज का जो प्रोग्राम है वो स्पेशल रक्षाबंधन के ऊपर प्रोग्राम किया गया। मुझे लगता था कि एक भाई जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जा चुका है, वो अपने कर्तव्य भूल गया है। वो रक्षा जो पुरानी सदियों से चलता आया था, जिसका मतलब यही था कि भाई अपनी रक्षा करेंगे बहनों की, जो कभी नहीं हो रही है। पैसे ने पूरी दुनिया ख़राब कर दी है। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर औरत ही इस जननी है, सबकी जननी औरत है, औरत ही कर्तव्य को पूरा कर सकती है। औरत नासा पे पहुंच गई, औरत एसपी बन गई, औरत प्रेसिडेंट बन रही है, तो क्यों ना औरत ही एक दूसरे के काम आए। और रक्षाबंधन, रक्षा का मतलब ये नहीं कि भाई ही रक्षा कर सकता है, एक औरत भी रक्षा कर सकती है। इसीलिए मैंने ये प्रूव किया, मैंने ये त्यौहार मनाया, ये सेलिब्रेशन की और एक नई लहर लोगों के सामने लाई। मेरा मकसद यही था कि किसी जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई भाई नहीं है, जिसका कोई बाप फर्ज नहीं निभा रहा है, मैं संध्या गुप्ता सबका भाई बन के, बाप बन के ये रिश्ता निभाऊंगी। और हम औरतें ही औरतों के काम आ सकती हैं और अपने कर्तव्य को पूरा कर सकती हैं।